हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बीपी रहता है लो तो खाएं ये चीजें जिससे आपकी बीपी सही हो जाएगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर 90 से कम हो जाए तो उसे ब्लड प्रेशर निम्न रक्तचाप कहते हैं। जबकि लोग ब्लड प्रेशर में शरीर में ब्लड का दबाव कम होने से आवश्यक अंगों तक पूरा ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिससे उनके कार्यों में बाधा पहुंचती है। लो ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने के लिए चुकंदर का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना 100 से 120 मिलीलीटर जूस सुबह रोज पीना चाहिए। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, विटामिन बी सप्लीमेंट, विटामिन सी और प्रोटीन लेना चाहिए। इससे हफ्ते भर में ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। नमक का सेवन बढ़ा दीजिए और खूब तरल पदार्थ पीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन को बना सकता है। जब ब्लड प्रेशर लो है तो क्या करें? जब आपको तुरंत लो बीपी की समस्या हो तो मुट्ठियों को जल से बंद करें और खोलें, लंबी सांस लें, चीनी, नमक और नींबू का शरबत पिएं, पैरों के नीचे दो तकिए लगाकर लेट जाएं। ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो जो मैं आपको बता रही हूँ रोगी को वो जरूर खाना चाहिए। पहला, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। अगर आप दिन में केवल 3 टाइम ही खाना खाते हैं तो इसे बढ़ाकर 6 टाइम कर लें। दिन भर में छोटे छोटे में लीजिए और खाने के बीच में लंबा गैप मत कीजिए। ऐसा नियमित करने से आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। 2, नमक खाइए। ज्यादा नमक सेहत के लिए खतरनाक होता है। गर्मियों में हाइपरटेंशन स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हो सकता है। इसके आपके हृदय और मस्तिष्क को नुकसान भी पहुँच सकता है। कम रक्तचाप का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आहार में नमक का सेवन बढ़ाएं। 3, खूब सारा लिक्विड पीजिए। अगर आप दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, इसके अलावा नारियल पानी, बेल का शरबत और आम का पन्ना भी पीते हैं, तो इससे आपको तुरंत इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा जो कि शरीर में पानी को बैलेंस्ड करके रखेगा। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। आपको इन दिनों अनार का जूस पीना चाहिए जिससे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिले। 4, कॉफी भी करता है मदद। यदि आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आधा कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पिए, इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा। 5, तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां लो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए प्रभावी है। तुलसी की कुछ पत्तियों को मसल कर इनका जूस बना लें। इसमें 1 टीस्पून शहद मिला लें। इसे सुबह खाली पेट लें तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी होता है जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलराइज्ड होता है। 6, बादाम मिल्क। रात भर 5 से 6 बादाम को भिगो कर रखें, सुबह इसका पेस्ट बनाएं और दूध में उबाल कर पी जाएं। इसे रोजाना पिए और ब्लड प्रेशर को गिरने से बचाएं। इस दूध में बिल्कुल भी फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यहाँ तक कि ये ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरा होता है। 7, मुनक्का। मुनक्के में मौजूद आयरन और साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एनीमिया के इलाज में बहुत ही मदद करते हैं। मुनक्के में मौजूद कॉपर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। रात को 3 से 4 मुनक्के को पानी में भिगो दें और सुबह इसे दूध के साथ उबाल कर पिएं। ये आपके रक्त प्रभाव को ठीक करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।